क्या माइनस 20 20 माइनस बी बाई सी बाई कर लिया। यहाँ पे फिर अगेन आते हैं, ये पहला फ्रेम हो गया। दूसरे फ्रेम में आते हैं, सीडी दिया हुआ है तो कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है, गड़बड़ हो गया। चलो अच्छा यहाँ कर लेते, सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तो ये जो पॉइंट्स आ रहा है माइनस 20 आ रहा है और ये माइनस 20 20 आ रहा है। सिमिलरली यहाँ पे भी सी प्लस डी कर लो, तो सी प्लस डी यहाँ पे भी आ रहा है क्या माइनस 20 एंड सी इंटू डी आ रहा है माइनस क्या 20 20 प्लस। ओके अब यहाँ पे देखो आप क्या करो, फिर इसको ओपन करो, ठीक है। अगर आप जिसको जैसे ही ओपन करेंगे ये आपको क्लियर होने लगेगा कि क्या करना है, और इस पूरे जो प्रॉपर्टीज है जो हमने ये वैल्यू निकाली है इसमें पुट कर दीजिए। तो नाउ ए स्क्वायर सी, इसको ओपन कर दीजिए आप, ए स्क्वायर सी माइनस ए सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी माइनस ए डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी माइनस बी सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी माइनस बी डी स्क्वायर। क्या करना चाहिए देख लो, अभी टाइप के कैलकुलेशन अगर आपको मिले होंगे तो उस समय कितनी प्रॉब्लम हुई होगी इस बात को आप समझ पा रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ए स्क्वायर यहाँ पे, ए स्क्वायर यहाँ पे, तो ए स्क्वायर आप बाहर निकाल लीजिए तो सी प्लस डी बच रहा है। फिर यहाँ पे देखो बी स्क्वायर एक यहाँ पे है और कहीं बी स्क्वायर है, एक बी स्क्वायर यहाँ पे भी है, तो ये आ रहा है सी प्लस डी, सी प्लस डी। और क्या बचा यहाँ पर देखो भाई, ए स्क्वायर हो गया, बी स्क्वायर हो गया, और यहाँ पर और क्या बच रहा है डी स्क्वायर। तो माइनस डी स्क्वायर अगर हम चाहे तो कॉमन निकाल सकते, माइनस डी स्क्वायर तो ए प्लस क्या हो जाएगा बी आ जाएगा, क्लियर है। तो सी प्लस डी, सी प्लस डी चेक कर लो एक बार, क्लियर चल रहा है ना हम लोग सही सही, यहाँ पे एक प्लस कर लेना। तो ए स्क्वायर यहाँ पे हो गया, सी प्लस डी आ गया, फिर यहाँ पे बी स्क्वायर हो रहा है तो सी प्लस डी आ गया, फिर और क्या बचा माइनस ए डी स्क्वायर और क्या माइनस बी डी स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो सी प्लस डी की वैल्यू हमें पता है, रख दो यहाँ पे सी प्लस डी 20, सी प्लस डी ऑल्सो 20 एंड ऑल्सो माइनस 20, तो 20 कॉमन ले लो, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर और यहां पर क्या मिल रहा है डी स्क्वायर, सही सी स्क्वायर छूट रहा है क्या कहीं पे, ए स्क्वायर यहां पे हो गया, नॉ दिस ए स्क्वायर मिला यहां पे, एक और कड़ी यहां पे मेरी छूट रही है बी स्क्वायर, बी प्लस सी प्लस डी हो गया, माइनस डी स्क्वायर हुआ, एक माइनस डी स्क्वायर ये बचा और एक सी यहां पर है, इनको भी लिख ही लेते हैं ए प्लस सी, ए प्लस सी यानी कितना आ रहा है ये हमारा ए प्लस सी, तो कुछ मिल नहीं रहा यार, सी स्क्वायर यहाँ पे हो गया ए प्लस बी तो माइनस 20। तो आप यहाँ पे इसको इंक्लूड कर लो 20, ये पूरा कॉमन हुआ, दिस इज द प्लस सी स्क्वायर, ये 20 आ गया। ना देखो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो यहाँ भी फाइल कर लो, क्योंकि हमारी जो प्रॉपर्टीज है ए प्लस बी और ए इंटू बी भी है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस 20 ए बी हो जाएगा, और फिर क्या सी प्लस डी का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस सी डी हो जाएगा दिस। तो नाउ 20 और इनको कैलकुलेशन कर लो, ए प्लस बी दिस इज द माइनस 20 का स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी, तो ये प्लस 20 इंटू 20 हो जाएगा, प्लस सी प्लस डी कर लो तो 20 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस ट्वाइस सी डी है 20 20 है, राइट। ये आपकी वैल्यू यहां पर बन गई, इनको कैलकुलेशन कर लो देखो क्या आ रहा है। नाउ अब तो हो ही सकता है, दिस इज द ऑप्शन डी आना चाहिए।